थाना डिबाई पुलिस की बदमाशों से देर रात मुठभेड़ हुई है। इस दौरान लूट की घटना में वांछित 20,000 रुपए का इनामी नीरज गोली लगने से घायल हो गया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार रात में थाना डिबाई पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों के साथ जहांगीराबाद डिबाई रोड पर ग्राम किदा का नगला के पास मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश नीरज पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अशोक फरार हो गया। फरार बदमाश के कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश नीरज शातिर किस्म का अपराधी है। साथ ही डिबाई थाने में एक मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसमें इस बार 20,000 रुपए का इनाम घोषित है, जो अपने फरार साथी के साथ किसी घटना को अंजाम देने आया था। मौके से अवैध असला कारतूस व एक मोटरसाइकिल प्लेटिना बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त नीरज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सिद्ध नगला थाना जहांगीराबाद बुलंदशहर है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश नीरज के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लूट चोरी जैसे आदि संगीन अपराधों के 9 मामले दर्ज हैं। बीती रात पुलिस चेकिंग के दौरान एक 20,000 का सातिर इनामी अपराधी, जो अंतरजनपदीय स्तर का सातिर लुटेरा है, जिसके विरुद्ध 9 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। नीरज नाम है और वो जनपद बुलंदशहर के ही जहांगीराबाद का रहने वाला है। डिबाई क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, गिरफ्तार हुआ है। इस पर 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और डिबाई थाने के ही एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध आसपास के जनपदों संभल, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि में भी मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसका दूसरा साथी, जो अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहा, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।